if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you, I don't ever feel. Hi, welcome back to my channel. So, in today's video, I'm going to create this makeup look, this sea green eye makeup look. And don't worry, this is very easy to create. So, chaliye video start karte hain. तो मेकअप की शुरुआत करेंगे स्किन केयर से. और स्किन केयर का पहला स्टेप है टोनर. मेक श्योर यू हैव वॉश्ड योर फेस बिफोर दैट. टोनर के लिए मैंने असफा हलाल का टोनर यूज़ किया था. नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ मॉइस्चराइज़र. तो मॉइस्चराइज़र के लिए मैंने डोटन की का विटामिन सी प्लस ई मॉइस्चराइज़र यूज़ किया है. मॉइस्चराइज़र आपके मेकअप के लिए एक स्मूथ बेस तैयार करेगा. एंड स्किन को हाइड्रेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है टू हैव अ गुड स्किन. स्किन के साथ साथ लिप्स को हाइड्रेट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है टू प्रिवेंट चैप लिप्स. तो लिप बाम भी अप्लाई कर लेंगे. तो चलिए अब मेकअप का फर्स्ट स्टेप करते हैं, दैट इज़ प्राइमर. प्राइमर आपके मेकअप को स्मूथ बना देगा. एंड यहाँ पे मैंने ब्लू हेवन का स्टूडियो परफेक्ट, आई थिंक दिस इज इट्स नेम, नॉट श्योर, वो प्राइमर यूज़ किया है. एंड फॉर द फाउंडेशन मैंने बायोटिक का फाउंडेशन यूज़ किया है. एंड दिस इज़ रियली गुड फाउंडेशन. आप इसको डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर समवन जिसको रोज़ फाउंडेशन यूज़ करना पसंद है. It gives a very dewy finish. तो foundation को मैं blend कर लूँगी with the help of foundation brush. आप चाहें तो beauty blender से भी कर सकते हैं, दोनों से भी कर सकते हैं, like first with the brush and then with the beauty blender. By the way, आपको आपका foundation blend करना किसके साथ पसंद है, like with the brush or with the beauty blender? Do let me know in the comment section below. ऑल राइट, वी आर डन विद ब्लेंडिंग. तो अब हम कंसीलर लगा लेंगे टू हाईलाइट द फेस, सम एरियाज ऑफ आर फेस. एंड दिस इज ब्लू हेवन कंसीलर, आई थिंक इसकी शेड इज 01 वनीला. कंसीलर की हेल्प से हम अपने फेस को थोड़ा लिफ्टेड लुक भी देंगे. एंड लुक्स वेरी फनी, विल बी ब्लेंडेड. ओके, सो हम कंसीलर को डायरेक्टली ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से ब्लेंड कर लेंगे. आप चाहें तो इसको भी पहले ब्रश की हेल्प से ब्लेंड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम. अब हम अपने कंसीलर को सेट कर लेंगे. आप चाहे तो अपने पूरे फेस को भी सेट कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ अपने कंसीलर को सेट किया है. आई डोंट लाइक मच पाउडरी पाउडरी वाला लुक एक्चुअली. तो अब हम आई शेडो लगाएंगे. इसके बाद आई शेडो के लिए मैंने ये ब्राउन कलर यूज़ किया है टू बिल्ड अप माई क्रीज. चलिए साथ में क्रीज को बिल्ड अप करते हैं. The key to good makeup is blending, whether it's face makeup or eye makeup. तो अपने मेकअप को टाइम लेके अच्छे से ब्लेंड करें टू अवॉइड हार्श लाइन्स एंड ऑल.
नेक्स्ट एज इट इज़ सी ग्रीन आई मेकअप, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने ये वाला ग्रीन कलर लिया एंड इसको अप्लाई किया, बट मुझे थोड़ा और डार्क शेड चाहिए था तो मैंने इसको और बिल्डअप करने की कोशिश की, लेकिन इसके पिगमेंट कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं लगा मुझे, तो उसके बाद मैंने ये वाला डार्क ग्रीन कलर लिया एंड इसका कलर ठीक था। अगेन इसको अच्छे से ब्लेंड कर देंगे। अब मैं ये डार्क ब्राउन शेड लेके अपने आउटर वी पे लगाऊंगी। On both the eyes. ये शिमर सी ग्रीन कलर में अपनी आईलिड के सेंटर पे लगाऊंगी। आई विल नॉट ब्लेंड इट, बस सेंटर में लगा के हल्का सा ब्लेंड कर दूंगी एंड इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। अब जो ब्राउन कलर मैंने क्रीज में लगाया था सेम कलर को मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे भी लगाऊंगी। इट्स लुकिंग गुड। टाइम टू फिल आईब्रोज, तो आईब्रोज को पहले स्पूली से अच्छे से कॉम्ब आउट कर लेंगे ताकि अगर जो भी बेस मेकअप आप हमारे आईब्रोज के अंदर चला गया है वो निकल जाए, और फिर यूजिंग दैट ब्राउन कलर दैट आई शोड अभी उस अपनी आईज को फिल कर लेंगे, सॉरी आईब्रोज को फिल कर लेंगे। विद द हेल्प ऑफ आईलैश कर्लर अपनी आईलैशेस को कर्ल कर लेंगे for 10 seconds. We will press it and अब eyeliner लगाऊंगी। eyeliner मैं बहुत basic सा लगाऊंगी। And this eyeliner is from NYB. For the mascara, this mascara is also from NYB. This is the curling mascara. Back to base makeup. अब हम फेस की कॉन्टोरिंग कर लेते हैं। दिस कॉन्टोर इज फ्रॉम शुगर, दिस इज इन द शेड 01 टॉप टॉपर एंड दिस इज रियली अमेजिंग कॉन्टोर, आई रियली लव दिस। बाय द वे आपको कॉन्टोर करना अपने फेस को ज़्यादा पसंद है या ब्लश लगाना, या दोनों? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। I am from blush. This blush is also from NYB. I think this is in the shade 02 cloudy pink. Next time to highlight our face. Highlighter मैं थोड़ा ही लगाऊंगी, ज़्यादा नहीं लगा रही। This is from Swiss Beauty Illuminating something and in the shade 02 silver pink. I'll mention names of all the products in the description box, so don't forget to check it out. चलिए मेकअप को फिनिश कर लेते हैं यूजिंग द लिपस्टिक। दिस इज फ्रॉम माई ग्लैम वेलवेट
मैट लिपस्टिक है इन द शेड 01 यमी एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग लिपस्टिक। ये आपके लिप्स को ड्राई भी नहीं करती है और बहुत खूबसूरत लिपस्टिक है ये एंड दिस इज़ अ न्यूड पिंक शेड। आई होप आपको ये मेकअप लुक पसंद आया होगा एंड इफ़ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल सो दैट वी कैन मीट अगेन। बाय, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ।